आप सभी को दास की प्यार भाई नमस्कार और धन्य कार्य संतो महापुरुषो जी, आप शांति चित होकर एकांत में बैठकर आंख बंद करके मन और चित को एकाग्र करके ध्यान लगाते हो क्या? भैया दास तो ऐसा नहीं करता, दास ऐसा नहीं करता। और दास समझता है कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा को ध्यान लगाने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महात्मा के सामने तो हर क्षण हर पल ये निरंकार है, इसको देखता है, इसका ध्यान लगाने की उसे आवश्यकता क्या है? इसका ध्यान दास के हिसाब से लगाते हैं नॉन ब्रह्मज्ञानी, क्योंकि उन्हें ब्रह्म का पता ही नहीं होता। वो ध्यान लगाते हैं या तो गुरु का, हम भी गुरु का ध्यान लगा सकते हैं, तो दास उनकी बात कर रहा है कि वो या तो ध्यान लगाते हैं गुरु का या भगवान की किसी मूर्ति का, क्योंकि इस निरंकार का ध्यान लगाने के लिए तो इस निरंकार को देखना, इसे जानना परम आवश्यक है। ब्रह्मज्ञानी के विषय में संत कबीर साहब कहते हैं, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन मैं हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारू। आंख बंद करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं, कान बंद करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं, कह रहे हैं खुले नयन, आंख खोलकर इस परमात्मा को देख रहा हूं, ये इसका सुंदर रूप मेरी आत्मा में, मेरे मन में बस गया है। वीडियो ध्यान पर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के लिए जा रहा है। कई नई बातें आपको इसमें जानने के लिए मिलेगी जो शायद पहले आपने ना सुनी हो। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, दास आपके चरणों में एक सूचना रखना चाहेगा। सूचना यह है कि ये जो चैनल आप देखते हैं ना, यही है सच। एक एक बात आपको इसमें सच ही मिलती है, और ये सच्ची बात दास आपके सामने रूबरू होकर के कहता है, किसी पर्दे में होकर के नहीं कहता। और शायद इस चैनल की प्रसिद्धि अब बढ़ रही है, इस पर आने वाली वीडियोस लोगों को बहुत अधिक पसंद आ रही हैं, और शायद इसका ये प्रमाण है कि अब इस चैनल की वीडियोस कुछ दूसरे चैनल वाले व्यक्ति चुराने लगे हैं। एक चैनल है निरंकारी अवतार वाणी। अब दास इसको लेकर कंफर्म नहीं है कि वह व्यक्ति पूरी तरह से निरंकारी ही है या वो निरंकारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल ये दो वीडियोस जो दास ने देखी है और भी हो सकती हैं, थोड़ा थंबनेल चेंज करके उसने अपने चैनल पर ये दोनों वीडियो अपलोड की हैं, और कई महात्माओं ने भी देखी है, दास को कमेंट करके भी कहा है। और इस पर दास ने इंस्टाग्राम पर जाकर उसके जब उससे पूछा तो कहने लगा, आप भी निरंकारी मिशन का प्रचार कर रहे हैं और मैं भी मिशन का प्रचार कर रहा हूं, इधर उधर से वीडियो उठाता हूं। और ये सारी की सारी चैटिंग दास के इंस्टाग्राम पर मौजूद है। वैसे होता यह है कि कोई आपकी सामग्री यदि चुरा कर अवैध रूप से अपने चैनल पर अपलोड करता है तो आप उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और दास ने यह करने के विचार कर लिया था, पूरी तरह से तैयारी भी कर ली थी, लेकिन फिर हृदय में से आवाज आई कि एक बार उससे बात कर ली जाए, और दास ने बात की तो उसने अपनी गलती को माना। ये बात दास आपजी के चरणों में इसलिए रख रहा है कि कहीं आपके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि दास भी कहीं से कोई कॉपी तो नहीं कर लेता। हाँ, यह सच है कि तमाम धर्म ग्रंथों से दास कुछ सामग्री लेता है और उन्हें अपने शब्दों में ला करके आपके चरणों में रखता है, और वो इसलिए लेता है ताकि दास की बात की सत्यता वहां पर उस कोटेशन के माध्यम से, उन उदाहरणों के माध्यम से, उन श्लोकों, उन बातों के माध्यम से प्रमाणित हो सके, इसलिए वहां से लेता है। तो दास मौलिक चीज आपके सामने प्रस्तुत करता है और सत्य, इसलिए इस चैनल का नाम है यही है सच। इस सूचना पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। खैर, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ध्यान के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, और ब्रह्मज्ञानी आंखें बंद नहीं करता क्योंकि सतगुरु के द्वारा उसकी आंखें खुल चुकी होती हैं। हां, यदि वो आंखें बंद करके ध्यान भी करता है ना, तो वो ध्यान करता है अपने गुरु की मोहक छवि का, परमात्मा का दर्शन करने के लिए वो आंखें नहीं बंद करता, वो परमात्मा का दर्शन करता है आंखें खोलकर। आइए अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। यदि ब्रह्मज्ञानी परमात्मा का ध्यान लगाता भी है तो ये फैक्ट है कि परमात्मा केवल ब्रह्मज्ञानी के ध्यान में ही आ सकते हैं, किसी और के ध्यान में नहीं आ सकते, क्योंकि ध्यान में परमात्मा को केवल ब्रह्मज्ञानी ही पहचान सकता है। गैर ब्रह्मज्ञानी पहचान कैसे सकता है? परमात्मा कोई तस्वीर तो है नहीं, परमात्मा कोई मूर्ति तो है नहीं, परमात्मा तो निराकार है, और निराकार को ब्रह्मज्ञानी सतगुरु के माध्यम से जान चुका होता है। केवल वही परमात्मा को आंख बंद करके भी अपने ध्यान में ला सकता है, कोई अन्य
यानी नॉन ब्रह्मचारी परमात्मा को अपने ध्यान में ला नहीं सकता। और मान लीजिए किसी नॉन ब्रह्मज्ञानी के ध्यान में परमात्मा आ भी जाए तो वो आखिर परमात्मा को पहचानेगा कैसे, जबकि उसने परमात्मा को देखा ही नहीं। हाँ, भगवान शिव का चित्र हम सबने देखा है, लक्ष्मी का चित्र हमने देखा है, और यदि हम इन्हें ध्यान में लाएं तो ये ध्यान में आते ही हमें पहचान पड़ जाती है कि ये भगवान शिव है, ये माता लक्ष्मी है या कोई और। परंतु निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, ना रूप है, ना रंग है, ना भेद है, कुछ भी तो नहीं है, कैसे पहचान पाएगा एक नॉन ब्रह्मज्ञानी ऐसे परमात्मा को जिसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं है। जैसा कि पहले कई वीडियोस में आप जान चुके हैं कि परमात्मा एक सुप्रीम एनर्जी है, ऐसी सुप्रीम एनर्जी को आखिर कोई कैसे ध्यान में ला सकता है, नहीं ला सकता ना। और ब्रह्मज्ञानी परमात्मा का ध्यान क्यों करे, वो तो परमात्मा को सदगुरु की कृपा से कण कण में देखता है, जर्रे जर्रे में देखता है, पत्ते पत्ते में देखता है, उसकी दृष्टि का विकार हट जाता है। समदृष्टि सदगुरु की ओ मेरा परम विकार, जित देखूं तित एक ही साहिब का दीदार। वो तो जिधर भी देखता है उसे उसका साहिब भी दिखाई देता है, उसे तो परमात्मा ही दिखाई देता है, तो वो आखिर परमात्मा को ध्यान में क्यों लाएगा। परमात्मा तो उसके सामने है ना, वो करता क्या है, वो तो सिमरन करता है। सिमरन, सिमरन का अर्थ है परमात्मा को देखना, परमात्मा से बात करना और परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करना ही सिमरन है। गुरु भक्त एक ब्रह्मज्ञानी सिमरन करता है, ध्यान नहीं करता। ध्यान क्यों करे, ध्यान तो वो करेगा ना जिसके ध्यान में कुछ है ही नहीं। इसके ध्यान में, ब्रह्मज्ञानी के ध्यान में तो हर समय परमात्मा है, तो उसे ध्यान करने की आवश्यकता ही क्या है। अगर सामने जल है, मौजूद है समंदर, तो वो समंदर को ध्यान में लाने की कोशिश ही क्यों करेगा, जबकि वो तो सामने मौजूद है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के सामने तो हर समय परमात्मा है, मौजूद है, ध्यान क्यों करे, सिमरन करता है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। अभी परमात्मा के ध्यान की बात चल रही है। जो परमात्मा को ध्यान में लाते हैं ना, वो फल पाते हैं। वो आरती आपने सुनी है, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। वर्षों में भी नहीं होते, वर्षों में भी इसलिए नहीं होते क्योंकि जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। जो ध्यावे, जो ध्याता है परमात्मा को, जो ध्यान में लाता है वो फल प्राप्त करता है। और परमात्मा को ध्यान में कौन लाएगा, जिसने देखा हो। और जब देखा ही नहीं है तो ध्यान किसका करेंगे भैया, जब परमात्मा को देखा ही नहीं है, अहंकार को देखा ही नहीं है, तो किसका ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं। परमात्मा कोई ज्योति नहीं है, परमात्मा कोई दीपक नहीं है, परमात्मा कोई आकृति नहीं है, ये तो बेरंगा है, निराकार है, निर्गुण है, हर क्षण हर समय मौजूद है, हर जगह। ऐसे परमात्मा को ध्यान में केवल और केवल ब्रह्मज्ञानी ही ला सकता है, और वो लाता है सिमरन के द्वारा। इसलिए ब्रह्मज्ञानी जब इसे ध्यान में लाकर सिमरन करता है तो वो ताउम्र और इसके बाद भी सदा सुख भोगता है। योमा पश्यति सर्वत्र सर्वचय मई पश्यति तस्य हम ने प्रणशयामी सहचय में न प्रणशयति। जो सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करता है, समस्त जड़ में, चेतन में, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर जगह पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में परमात्मा का दर्शन करता है। ये परमात्मा हर क्षण उससे खुश रहता है, और भक्त क्या करता है, इस प्रभु परमात्मा के चरणों में संपूर्ण समर्पण करता है, और फिर भोगता है तमाम आनंद, सुख ही सुख। इसके जीवन में फिर दुख का नामो निशान नहीं रहता, केवल और केवल सुख रहता है, और इस स्थिति को केवल एक ब्रह्मज्ञानी ही महसूस करता है। अंतिम बात कह के इजाजत चाहूंगा कि जो ब्रह्मज्ञानी है ना, वो केवल ये हैं, हम सब इनके फॉलोवर हैं। इन्होंने अपनी दया करके हमें ब्रह्मज्ञानी बनाया है, लेकिन हम अपने आप को ब्रह्मज्ञानी ना समझे, केवल इनका फॉलोवर मान करके चलें। यदि हम ऐसा करेंगे ना, तो फिर इनकी दया भी हम पर बरसेगी। परमात्मा पल पल क्षण क्षण हमारा ध्यान, हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखेंगे, हमारे परिवार का ध्यान रखेंगे, समस्त रोग दोष परे हट जाएंगे, केवल और केवल इनकी कृपा ही हम पर बरसेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आप जी से इजाजत चाहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर
और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद संतो महापुरुषों जी।